going to start the remaining problems of worksheet 4. क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है ये देखिए, टू कह रहा है फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4,500 फॉर 2 ईयर्स एट 5 पाइस पर रूपी इंटरेस्ट। यहां कहता फाइंड अमाउंट, ए इज कॉल टू व्हाट, फाइंड अमाउंट ए इज कॉल टू व्हाट, अमाउंट क्या होगा, ए इज कॉल टू व्हाट, कैसे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, पी इज कॉल टू रुपीज 4,500, पी इज कॉल टू रुपीज 4,500 फॉर 2 ईयर्स, टी इज कॉल टू 2 ईयर्स एट 5 पाइस पर रूपी, 1 रूपी इज कॉल टू 100 पाइस, तो 5 पाइस फॉर 100 पाइस, 100 में 5 दैट मीन्स 5%, आर इज कॉल टू 5 पाइस पर रूपीज, दैट मीन्स 5%, आर इज कॉल टू 5%, 5 पाइस पर रूपीज, रूपीज 100 पाइस इज कॉल टू 1 रूपीज, तो 5 पाइस इन 100 पाइस दैट मीन्स 5%, द अमाउंट इज कॉल टू व्हाट। तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए हमको ऐसा निकालना है, SI इज कॉल टू प्रिंसिपल पी रुपीज 4,500 टाइम 2 ईयर्स रेट 5 पाइस पर रुपीज दैट मीन्स 5%, SI इज कॉल टू PRT अपॉन 100, SI इज कॉल टू PRT अपॉन 100, पी रुपीज 4,500 आर 2 ईयर्स रेट 5% बाय 100, दोनों जीरो कैंसिल कीजिए, दैट इज इक्वल टू रुपीज 450, SI इज इक्वल टू रुपीज 450, SI निकल गया, ऐसा ही निकल गया, तो अब हमको अमाउंट निकालना है, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस SI, प्रिंसिपल में जब SI को ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा पी रुपीज 4,500 प्लस SI रुपीज 450 दैट इज इक्वल टू रुपीज 4,950, एंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इट बिकम्स 4,950, यानी एक आदमी इन्वेस्टमेंट करता है 4,500 2 ईयर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट रुपीज 4,500 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5 पाइस पर रुपीज, यानी 5%, इस रेट से इन्वेस्टमेंट करता है 1,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए, तो अमाउंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम SI निकाल दिए, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 निकाल दिए, दैट इज इक्वल टू रुपीज 450, ये SI निकल गया, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस SI, प्रिंसिपल में जब SI को ऐड कर देंगे अमाउंट हो गया 4,500 प्लस 450 दैट इज इक्वल टू 4,950, ये अमाउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते रहे,
क्या कह रहा है थ्री, क्वेश्चन को केवल समझना है। रमेश टू के लोन ऑफ रुपीज 80,000 फ्रॉम ए बैंक। रमेश एक बैंक से 80,000 रुपया लोन लेता है एट 12% पर एनम। किस बैंक से जो लोन लेता है तो बैंक जो है वह इंटरेस्ट लेगा। आप यदि बैंक में रुपया जमा करते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, और यदि आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। दोनों कैसा इंटरेस्ट, किस रेट से लेगा, तो 12% पर एनम के रेट से लेगा। 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लेगा बैंक, एंड पेड इट बैक आफ्टर 7 months टुगेदर विथ इंटरेस्ट। रमेश जो है वह बैंक को 7 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ लोन अदा कर देता है। फाइंड द अमाउंट ही पेड टू बैंक, यानी कितना अमाउंट बैंक को पेड किया, जितना कर्जा लिया, दैट इज प्रिंसिपल। हियर पी इज इक्वल टू कितना कर्जा लिया, तो रुपीज 80,000 80,000 रुपया कर्जा लिया। किस रेट से, आर इज इक्वल टू 12% पर एनम हर एक वर्ष। एनम मीन्स ईयर, कितने समय के लिए, टी इज इक्वल टू सेवन मंथ्स। ये है एनम ईयर, ये है मंथ, ये है रेट है एनम ईयर, टाइम है मंथ, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। 7/12 ईयर, 7 months, 7/12 ईयर, ईयर में आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, कितना अमाउंट पे करेगा रमेश। अमाउंट के लिए सबसे पहले हम एसआई निकालेंगे, एसआई निकल जाएगा तब अमाउंट निकालेंगे। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, पी रुपीज 80,000, आर 12%, टाइम 7/12 ईयर बाय 100। पहले दोनों जीरो कैंसिल कीजिए, ट्वेल्व कैंसिल हो गया, 7/8 जा 56, 5,600 एस आई, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹5,600। इतना रुपया तो इंटरेस्ट हो गया, 80,000 रुपया कर्जा लिया था, इतना इंटरेस्ट हो गया, तो कितना पे करेगा। द अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल में एस आई को ऐड कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा ₹80,000 प्रिंसिपल, और प्लस एस आई निकल गया 5,600, दोनों को ऐड कर दिए ₹85,600, ये अमाउंट निकल गया। इतना रुपया बैंक को रिटर्न करना होगा, हैंस रमेश हैज टू पे अमाउंट ₹85,600, इतना रुपया रमेश को पे करना होगा बैंक। रमेश हैज टू पे अमाउंट ₹85,600। ये था क्वेश्चन नंबर 3।
अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रमेश बैंक से 80,000 रुपया कर्जा लिया। जो अमाउंट कर्जा लिया दैट इज प्रिंसिपल, जो अमाउंट आप बैंक में जमा कर दिए किसी इंटरवल के लिए दैट इज प्रिंसिपल, यहाँ कर्जा लिया 80,000, 80,000 इज प्रिंसिपल, तो बैंक इंटरेस्ट लगा किस रेट से, तो 12% पर एनम के रेट से। रमेश इस कर्जा को वापस कर देता है बैंक को कितने समय के बाद, 7 months के बाद, 7 months दैट इज 7/12 ईयर, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर दिए इतना ईयर, तो अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम SI निकालेंगे, तो SI इज इक्वल टू PRT/100, वैल्यू पुट कर रहे हैं P 80,000 R 12% T 7/12 डिवाइडेड बाय 100, PRT/100 दोनों जीरो कैंसिल कर दिए, 12 कैंसिल हो गया, 7/8 = 56,000 यानी 5,600, SI इज इक्वल टू 5,600, SI निकल गया, तो अमाउंट इज इक्वल टू P+SI, प्रिंसिपल में SI को ऐड कर दिए, अमाउंट निकल गया, यानी इतना रुपया रमेश को पे करना होगा बैंक को, क्या रमेश पे किया बैंक को इतना रुपया 7 months के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राहुल डिपोजिटेड ₹7,000 एट 7% पर एनम फॉर 4.5 years एंड रोहन डिपोजिटेड ₹7,000 एट 6% पर एनम फॉर 5 years, हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल ईच गेट। राहुल डिपॉजिट किया, जमा किया 7,000 रुपया, किस रेट पर, 7% पर एनम इंटरेस्ट के रेट पर, कितने समय के लिए, तो 4.5 years के लिए, तो राहुल को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद रोहन, वो भी जमा किया 7,000 रुपया, लेकिन किस रेट पर, तो 6% पर एनम के रेट से, कितने समय के लिए, तो 5 years के लिए, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ज्यादा। फॉर राहुल, एक एक करके निकालते हैं, पी इज इक्वल टू ₹7,000 आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 4.5 years, A इज इक्वल टू वा, SI इज इक्वल टू वा, अब निकाल रहे हैं इसका, तो पहले निकालते हैं SI, SI इज इक्वल टू PRT/100, P प्रिंसिपल 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, टाइम 4.5 years 9/2 years, 4.5 years 9/2 years, upon 100, दोनों जीरो कैंसिल,
441 by 2. That is equal to rupees. Those are 220.50. इतना रुपया रमेश को इंटरेस्ट मिले, राहुल को इंटरेस्ट मिलेगा. राहुल को रुपीज 220.50 इंटरेस्ट मिलेगा. अमाउंट क्या होगा? पी प्लस एस आर रुपीज 7000. पी रुपीज 7000 प्लस एस आर 220.50. That is equal to rupees 7,220.50. 7,220.50. इतना इंटरेस्ट मिला राहुल को. अब आइए रोहन के लिए. हर रोहन P is equal to rupees 7000. Rate of interest 6% per annum. 6% per annum. कितने समय के लिए? T is equal to 5 years. SI is equal to how much? A is equal to how much? SI is equal to 100. वैल्यू पुट कर रहे हैं. P 7000 R 6% टाइम 5 years बाय 100. दोनों जीरो कैंसिल कर दिए. एस आई इज इक्वल टू रुपीज 210. रोहन को इंटरेस्ट मिला रुपीज 210. अमाउंट कितना? रुपीज 7000 प्लस 210. 7210 इतना अमाउंट हुआ रोहन को. तो इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिला? 220.50 राहुल को और रोहन को 210. तो राहुल विल गेट मोर इंटरेस्ट. Hence, Rahul will get more interest. And have amount रुपीज 7,220.50 एंड 7,210 रेस्पेक्टिवली. दोनों को यह अमाउंट मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछ रहा है. राहुल और रोहन दोनों बैंक में जमा करता है 7000. राहुल जमा करता है 4.5 years के लिए, रोहन जमा करता है 5 years के लिए. राहुल को इंटरेस्ट मिलता है 7% पर एनम, रोहन को मिलता है 6% एनम. तो राहुल को 4.5 years के बाद कितना मिलेगा, रोहन को 4-5 years के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा किसको मिला?
और दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा, यही है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, आइए क्वेश्चन नंबर फाइव में, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है। रमेश डिपॉजिटेड रुपीज 80,000 इन ए बैंक। रमेश एक बैंक में 80,000 रुपया जमा करता है, कुछ पेज हिम 6% इंटरेस्ट, बैंक उसको 6% इंटरेस्ट देती है। ही विथड्रॉ ए 90,000 आफ्टर 3 years, 3 वर्ष के बाद रमेश रुपया बैंक से निकाल करके 90,000 रुपया में कार खरीद लेता है। अब कहता है 3 वर्ष के बाद जो वो 80,000 रुपया जमा किया था उससे 90,000 रुपया निकाला, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, उसके अकाउंट में बैंक में कितना रुपया और बाकी बचा हुआ है। 80,000 रुपया बैंक में जमा किया 3 वर्ष के लिए, बैंक उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दे रही है, तो अमाउंट क्या हुआ, उसमें से 90,000 रुपया निकाल लिया कार खरीदने के लिए, तो बच कितना गया। क्वेश्चन यदि आप समझ जाइएगा तो इजीली बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, P = ₹80,000, P = ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R = 6% पर एनम, 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने समय के लिए, तो T = 3 years, Amount = how much, अमाउंट क्या होगा, A = how much, पहले अमाउंट निकालते हैं, 3 वर्ष के बाद ये 80,000 रुपया कितना हो जाएगा, तो अमाउंट के लिए सबसे पहले हम SI निकालेंगे, SI = PRT/100, वैल्यू पुट कर रहे हैं P 80,000 into R 6% × 3 years / 100, दोनों जीरो कैंसिल कीजिए, $14,400 SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 80,000 रुपया जो बैंक में जमा किया 6% के इंटरेस्ट रेट पर, जो बैंक उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देगी, तो 3 वर्ष के बाद उसका इंटरेस्ट क्या हो गया, बैंक कितना इंटरेस्ट दिया रमित को, तो 14,400, तो अमाउंट क्या हो गया 3 वर्ष के बाद, बैंक में उसके अकाउंट पर कितना रुपया आ गया, अमाउंट क्या हो गया, A = P + SI, A = P + SI, Amount = P + SI, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ₹80,000 प्लस SI 14,400, टोटल हो गया ₹94,400, इतना रुपया बच गया उसके अकाउंट पर आ गया, 94,400 उसके अकाउंट पर आ गया। अब इससे वह कार खरीदता है, अमाउंट विथड्रॉन फॉर परचेजिंग कार, अमाउंट विथड्रॉन Amount withdrawn for purchasing car, a car
That is equal to rupees 90,000. 90,000 रुपया हुआ अपने अकाउंट से निकाला कार खरीदने के लिए. अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट निकाला गया किसके लिए? फॉर परचेजिंग ए कार. दैट इज इक्वल टू रुपीज 90,000. 90,000 निकाला कार खरीदने के लिए, उसके अकाउंट पर था 94,400. और 90,000 निकाला तो कितना रह गया अमाउंट लेफ्ट? अमाउंट लेफ्ट तो रुपीज 94,400 माइनस 90,000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 4,400. उसके अकाउंट पर इतना रुपया बच गया. तो ठीक है, आज का HW नोट कीजिए. HW डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4. वर्कशीट 4 का प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल के साथ, विथ एग्जाम्पल. डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4 विथ एग्जाम्पल. डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4 विथ एग्जाम्पल. ये आप कीजिए, नेक्स्ट डे हम आगे देखेंगे. Thank you and have a nice day to all of you.